आजकल का लाइफस्टाइल इज सो स्ट्रेसफुल कि हमारी बॉडी में नॉर्मल वेयर एंड टेयर होना बहुत ज्यादा आम सी बात हो गई है, और इस वेयर एंड टेयर को कॉम्पनसेट करने के लिए जो हमारी डाइट है या जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं एप्रोप्रिएट नहीं है, और तभी इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, हेल्थ भी पुअर होती जाती है, और हमारे जो लुक्स हैं कहीं ना कहीं उन पे भी इफेक्ट नजर आता है, तभी एजिंग के साइंस जो है वो बहुत जल्दी नजर आने लगते हैं। बट फॉर दैट वी हैव अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर यू फ्रॉम द हाउस ऑफ बायोसैश, जो कि एक इम्यूनिटी बूस्टिंग कंपनी है। उनकी तरफ से है सीबक थॉर्न का सीड ऑयल कैप्सूल जो कि सीड से होता है, और उसके अलावा सीबक थॉर्न का बेरी ऑयल कैप्सूल जो कि बेरी या फ्रूट से एक्सट्रैक्ट होता है, और इनको खाने से हमें फायदे मिलते हैं 190 न्यूट्रिएंट्स के। उसके अलावा हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, कार्डियोवैस्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्प करता है और ज्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए, इट एक्टिवेट्स द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए, और साथ ही साथ जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है उस पर भी इंपैक्ट होता है। और एक और अच्छी बात दैट इट हेल्प्स इन डिलेइंग द एजिंग प्रोसेस ऑन सेलुलर लेवल, तभी रिजल्ट्स जो है वो 7 से 10 दिन के अंदर दिखने लगते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है सीबक थॉर्न के इन कैप्सूल्स के लिए कि एक कैप्सूल जो है वो इक्विवेलेंट होता है 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स के मुकाबले। तो अगर आप 2 कैप्सूल्स ले रहे हैं, सीबक थॉर्न का सीड ऑयल कैप्सूल और बेरी ऑयल कैप्सूल दोनों ले रहे हैं, तो यानी कि आपको डबल द बेनिफिट मिल रहा है, और ये बेनिफिट फ्रॉम विद इन मिल रहा है, यानी बॉडी अंदर से हेल्दी फील करती है, इम्यूनिटी बेटर हो जाती है एंड कंप्लीट ओवरऑल वेलनेस बेटर होती है। सीबक थॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स जो कि हाई इन सीबक थॉर्न तो है ही, उसके अलावा इसके अंदर हाई है ओमेगा 3, यानी जब आप सीबक थॉर्न के सीड ऑयल कैप्सूल्स लेते हैं तो अप टू 30% बूस्ट आप देखेंगे ओमेगा 3 का अपनी बॉडी में। उसके अलावा ओवरऑल हेल्थ, वेलनेस एंड इम्यूनिटी बेटर होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल रिलीफ भी मिलता है, और इनफैक्ट ये अल्सर्स को भी प्रिवेंट करता है, कार्डियक यानी हमारे हार्ट और लिवर को सपोर्ट करता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है इसके अंदर, यानी बॉडी में किसी तरह की इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है उसको भी कम करता है। सीबक थॉर्न बेरी ऑयल कैप्सूल्स, एक बॉटल में 30 कैप्सूल्स आते हैं, आप रोजाना एक कैप्सूल खाएंगे और इसको खाने के बाद आप अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा जो है अमेजिंग बेनिफिट्स देखने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट्स देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो ओमेगा 7 जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, ये आपकी बॉडी में अप टू 30% ओमेगा 7 को बूस्ट करता है। उसके अलावा इट हेल्प्स टू रेगुलेट शुगर इन टाइप 2 डायबिटीज। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल हेल्थ और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना हो या फिर वेट लॉस में हेल्प करना हो उन दोनों चीजों में हेल्प करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्थ हो या आपके हेयर की हेल्थ की बात करें उसको भी बेटर करता है, एंटी एजिंग होता है यानी एज डिले करने में हेल्प करता है, उसके अलावा स्किन की हेल्थ जो है उसको बहुत ज्यादा बेटर बनाता है। एंड आप सुनते हैं मिस्टर अर्जुन खन्ना की कुछ बातें जो कि एमडी हैं बायोसैश के, जिन्होंने 25 साल की फोकस रिसर्च करी है सीबक थॉर्न के ऊपर। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये दोनों कैप्सूल्स इतने इफेक्टिव कैसे हैं और क्या खास बनाता है सीबक थॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स और बेरी ऑयल कैप्सूल्स को। सीबक थॉर्न की प्रॉपर्टीज क्या करती है? सीबक थॉर्न एक अकेली बेर है जिसमें चारों प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। ये चारों ओमेगास जिन्हें आजकल प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है किसी भी बेर में नहीं मिलती, सिर्फ सीबक थॉर्न में पाई जाती हैं। और जो ओमेगा 7 है सबसे रेयर है, और सीबक थॉर्न की बेरी एक्सट्रैक्ट से सबसे ज्यादा ओमेगा 7 पाया जाता है दुनिया में। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या करती हैं? आपके शरीर को डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल है, और ह्यूमन बॉडी इसको बना नहीं सकती, इसको डाइट से लेना पड़ता है। इन दोनों में एक सिर्फ एक प्राइम फर्क है, सीड ऑयल कैप्सूल में ओमेगा 3 की मात्रा कुछ ज्यादा है और बेरी ऑयल कैप्सूल में ओमेगा 7 की मात्रा कुछ ज्यादा है। अब आप जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो जबरदस्त अल्टीमेट इम्यूनिटी बूस्टिंग मिलती है, क्योंकि पूरा स्पेक्ट्रम आपकी बॉडी को मिलता है। अकेले अकेले अलग अलग भी ले सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपने अकेला सीबक थॉर्न सीड ऑयल ले लिया नो प्रॉब्लम, बेरी ऑयल ले लिया अकेला नो प्रॉब्लम, बट कंबाइंड इज अ पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग। अगर आपने एक मील मिस कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन ये नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 190 मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मिलती हैं, जो कि कहीं पे भी आपको डाइट से आप प्राप्त नहीं कर सकते। लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि इवन स्टेम सेल्स, जो हमारी बॉडी के स्टेम सेल्स हैं, उसको भी ये बूस्ट करता है रिपेयर एंड रिजुविनेशन के लिए। मतलब अगर आप किसी इंजरी या बीमारी से निकल भी रहे हैं तो भी उसकी जो स्टेम सेल्स की पावर इंजरी और बीमारी से रिकवर करने के लिए बढ़ाती है। इट्स फैंटास्टिक। एवरी अडल्ट अबव 18 इयर्स ओल्ड मस्ट हैव दिस डेली। वन कैप्सूल ऑफ सीड ऑयल, वन कैप्सूल ऑफ सीबकथॉर्न बेरी ऑयल। पावर ऑफ द जूस एंड पावर ऑफ द सीड, पावर ऑफ द सीबकथॉर्न बेरी, ऑल इन वन।